दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, तो 700 ही सिद्ध मंत्र हैं। वो हमें कैसे दिए मार्कंडे ऋषि जी ने, आप सोचिए, कहीं वो वेदों से लिए गए, कहीं उपनिषदों से लिए गए, तो मार्कंडे ऋषि ने वो 700 श्लोक इकट्ठे करके दिए, और 700 मंत्रों को कहीं किसी ऋषि ने सिद्ध किया, किसी मुनि ने सिद्ध किया, उनका अनुभव आ गया। और उसमें ही एक श्लोक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। दोस्तों, ये माँ भगवती का, माँ दुर्गा जी का मंत्र है। माँ दुर्गा, महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, जब तीनों शक्तियाँ मिलती हैं तो माँ दुर्गा कहलाती हैं। आप देखें, अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो आपको ज्ञान की भी ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है, और साथ साथ में आपको प्रचंड शक्ति की भी जरूरत है। ज्ञान आपको माँ सरस्वती जी की कृपा से मिलेगा, प्रचंड शक्ति महाकाली जी की कृपा से मिलेगी, और धन लक्ष्मी जी की कृपा से मिलेगा, तो आप जीत जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर दुश्मन पे विजयी होना है तब भी तीनों शक्तियों की जरूरत है। धन के बिना भी दुश्मन को परास्त नहीं कर पाएंगे, ज्ञान के बिना भी परास्त नहीं कर पाएंगे, और जब तक हाथों में खड़ग नहीं होगा तब तक दुश्मन नहीं डरेगा। फिर भी तीनों शक्तियों की हमें ज़रूरत है। तो ऐसा ही ध्यान करके माँ दुर्गा जी का, इस मंत्र का कम से कम 40 मिनट जाप करें, जा 5 माला जाप करें, मूंगे की माला से करें, लाल चंदन की माला से करें, और हाथ में थोड़ी सी काली मिर्च ले लें, जा काली मिर्च, ब्लैक पेपर थोड़ी कटोरी में डाल करके रख लें, घी का दीपक जलाएँ, तेल का दीपक जलाएँ, और साथ में गुलाब के फूल रखें, जा कोई दूसरे फूल मिल सकते हों उनको भी रख सकते हैं, जैसे कनेर के फूल इस कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं, गुड़हल के फूल बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने जाप कर लिया, जाप करने के पश्चात ऐसे आंख बंद करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सहज भाव से ध्यान करें माँ का, और कोशिश करें कि घड़ी में निश्चित करके ध्यान ना करें। ऐसे बैठें कि जब आपके ऊपर समय की पाबंदी ना हो। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, उधर आपका ध्यान लगने लगता है, इधर आपकी घड़ी बुलाने लगती है आपको, इसीलिए पहली कड़ी में आपका जवाब नहीं दिया कि हमें भी घड़ी बुलाने लगेगी, आपको बताने लगेंगे। तो जहाँ पे माँ का ध्यान करते रहें करते रहें, और मन में एम हरीम कलीम चामुंडा विचय का जाप करते रहें, लिप्स नहीं हिलें आपके, कोशिश करें अंतर ही अंतर जाप हो। जैसे आपको लगे कि आप वार्म अप हो गए, तो आँखों के ऊपर ऐसे हाथ रख लें, हाथ रखे रखे ऐसे प्रार्थना करें कि माँ, मेरे जो भी स्तंभित कार्यां हैं, जो भी रुके हुए कार्यां हैं, उन सबको खोल दो, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे शक्ति दो, चाहे वो तंत्र मंत्र से रुके हुए हों, चाहे वो ग्रहों से रुके हुए हों, मेरी बुद्धि से रुके हुए हों, या कोई भी कारण हो, अब सब कारणों की स्वामिनी हो। जैसे दोस्तों, छोटा बच्चा माँ के चरणों में जाता है, उसको कुछ भी चाहिए माँ को ही कहता है, वो ये नहीं जानता
कि जे मुझे किसी स्टोर से ला के देगी माँ, कहीं से खरीद करके ला के देगी, किससे मांग करके लाएगी, वो माँ को ही कहता है। जब आपके अंतर में ऐसी भावना आ जाएगी कि माँ सर्वस्व है, माँ शक्ति स्वरूपणी है, माँ सब कुछ करने वाली है, तो आप सोचें उसी वक्त से आपका कल्याण हो जाएगा और आपके सब अवरोध जो हैं नष्ट हो जाएंगे। पर आप इसको श्रद्धा के साथ करें, अच्छे ढंग से करें, ये लगभग सभी कार्यों को खोलने वाला मंत्र है। और जैसे ही आप पूजा से उठें, उपासना से उठें, थोड़ा सा दूध पिए, माँ प्रसन्न होती है जब साधक दूध पीता है। और दूध पहले माँ के चरणों में ही रख दें तो अच्छा होगा, और उसके पश्चात जो आपने काली मिर्च रखी थी उनको जला दें। अगर आपके पास हवन कुंड है, ऐसा कोई साधन है, उसमें जला दें, नहीं तो तवे के ऊपर रख करके जला दें, ओवन में जला दें, बस जला दें। जलाने के बाद उनको फेंक दें और माँ का शुक्रिया करें। कहीं नज़र का दोष हो, कहीं कोई और दोष हो, तो सब दोष दोस्तों इससे नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है और मैं हजारों हजारों लोगों का अनुभव किया हुआ, बहुत लोगों ने किया और सभी को लगभग सफलता मिली, तो आपको भी मिलेगी।